छात्र संघ चुनावों की तारीख नजदीक आने के साथ ही कॉलेज कैंपस में छात्र राजनीति गरमाने लगी है। हर छोटी बड़ी बात को मुद्दा बनाकर ज्ञापन और प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को छात्र संघ चुनाव की रंगत नजर आने लगी। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP सहित कुछ निर्दलियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ कैंपस में रैली निकालकर जनसंपर्क के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज के अंदर और बाहर सड़कों पर पैंपलेट हवा में उड़ाया तो पूरा रास्ता पैंपलेट से भर गया। छात्र उन्हें रौंदते हुए अपने अपने प्रतिनिधि के पक्ष में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। स्वामी न्यूज ने जब दोनों ही पार्टियों के छात्र नेताओं से बात की तो उन्होंने एक दूसरे की पार्टियों पर आरोपों की झड़ी लगा दी। NSUI छात्र नेता सुनील लारा और उपाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा की माने तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में ABVP के अध्यक्ष रामेश्वर छाबा ने पिछले एक वर्ष में ऐसा कोई काम नहीं किया जो छात्र हित में हो। चुनाव के समय ही उनका संगठन कॉलेज कैंपस में दिखाई देता है, बाकी समय ये लोग कॉलेज के बाहर ही नजर आते हैं। NSUI संगठन छात्र हितों के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगा। संगठन छात्रों के लिए एडमिशन शुरू होने से लेकर परीक्षा होने तक उनकी मदद करता है। इस वर्ष संगठन ने प्रथम वर्ष में सीट्स बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते एडमिशन की तारीख बढ़ाई गई। NSUI के पक्ष में जिस तरह से यहां पर जो छात्र चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, NSUI से वो लोग जिन्होंने जून से पखवाड़े से मेहनत करना स्टार्ट किया, NSUI का साथ में जो काम मिलकर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं, हर समस्या को निपटा रहे हैं, चाहे वो सीटें बढ़ाने से लेकर के हो, चाहे पेयजल समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उन लोगों ने छात्र हितों को लेकर के यहाँ पे काम किया है और NSUI भी इन मुद्दों को लेकर उतरेगी चुनाव में। इस बार भी राजकीय महाविद्यालय में NSUI का परचम लहराएगा। और रही बात ABVP संगठन की, तो ABVP से जो छात्र संघ अध्यक्ष बना गया था पिछले सत्र में, वो सत्र चुनाव जीतने के बाद पूरे साल कॉलेज के अंदर नहीं आया। कॉलेज के अंदर ABVP के नाम पर सिर्फ ये लोग चुनावों के अंदर बरसाती मेंढकों की तरह चुनावों के अंदर ये लोग आके बाहर आते हैं, चुनावों के अंदर महाविद्यालयों के अंदर काम करते हैं और वापस चुनाव खत्म होती वापस अपने बिल में जाके फंस जाते हैं। और NSUI संगठन के कार्यकर्ता वो पूरे साल राजकीय महाविद्यालय के अंदर काम करते हैं, बच्चों के एग्जामिनेशन फॉरम भरने से लेकर एडमिशन से लेकर उनके एग्जाम जब हो तब से लेकर हर तरीके की मदद के लिए छात्र हितों के लिए आगे रहते हैं। जैसे सबको पता है NSUI हर साल और हर हमेशा से एक्टिव रही है GCA में, छात्रों के हेल्प में हमेशा NSUI आगे रही है। तो हम शुरू से जब से एडमिशन ओपन हुए तब से छात्रों की मदद कर रहे हैं, उनके हर समस्या का समाधान कर रहे हैं, उनकी सेवा में सदैव तत्पर है NSUI और हर जगह से उनके साथ हैं। वहीं ABVP के छात्र नेता ईश्वर कुमार ने बताया कि इस वर्ष संगठन ने महाविद्यालय के कॉमर्स ब्लॉक को पूरा नया बनवाया, ऑडिटोरियम के लिए राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव से 51 लाख रुपए स्वीकृत कराए, साथ ही शौचालय की साफ सफाई को नियमित कराया, छात्रों के लिए मीठे पानी की टंकी के साथ नया जिम भी बनवाया। ऐसे कई काम है जो ABVP ने छात्र हितों के लिए किए, विरोधी सिर्फ आरोप लगाकर वोट की राजनीति कर रहे हैं। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में संगीत विभाग में सीटें कम है, ओनली 10 सीटें, वो भी SFS में सीटें हैं, उन्हें पास कोर्स में कन्वर्ट किया जाए, जो कि पिछले 10 सालों से SFS के अंदर ही है। हमारी मांग ये है कि उन्हें कन्वर्ट किया जाए, पास कोर्स में किया जाए, और सीटें की संख्या ओनली 10 है। विद्यार्थी आवेदन इतने भर रहे हैं, कितने सालों से भर रहे हैं, पर उनकी सीटें पर कभी मांग नहीं हुई, कितनी बार ज्ञापन दे दिया, कभी कुछ नहीं हुआ। तो हमारी मांग यही है सीटें बढ़ाई जाए, कम से कम 30 से 25 सीटें हो। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में पूर्व अध्यक्ष जो विद्यार्थी परिषद से थे, पूरा का पूरा पैनल, उन्होंने यानी बहुत ही यानी लगभग जो यहाँ की जो परेशानी थी वो दूर करवाई। उसके अलावा इन्होंने यानी हमारी यही कोशिश रही, हमने यानी हमारे कार्यकाल ABVP के कार्यकाल के अंदर नया कॉमर्स ब्लॉक जो यानी पूर्णतः नया बनाया और कॉलेज कैंपस की वापस से यानी रंगाई पुताई वो बिल्कुल नहीं करवाई। उसके अलावा ऑडिटोरियम के लिए 51 लाख रुपए राज्यसभा सांसद श्री भूपेंद्र जी यादव से पास करवाए।
चुनावों को लेकर नए छात्रों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। सभी छात्र छात्रा अपने हितों और समस्याओं से निजात दिलाने वाले छात्र संगठनों को चुनने में लगे हैं। उनका कहना है कि परीक्षाओं में टाइम टेबल, नोट्स, सीट्स की बढ़ोतरी और कैंपस में असामाजिक तत्वों से उनकी रक्षा करें, ऐसे अध्यक्ष को चुनना पसंद करेंगे। चुनाव तो मैं ऐसे देखती हूँ कि इंसान मतलब अच्छा होना चाहिए, उसका नेचर और उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, कि हमें जब भी कभी मदद चाहिए तो हमें सपोर्ट करें और हमेशा आगे खड़े रहने वाला होना चाहिए। जैसे बाय चांस कभी फॉर्म में कुछ गलती हो गई, मार्कशीट नंबर कम ज़्यादा, तो इसके लिए बात करने वाला कोई होना चाहिए, ताकि वो मतलब अगर बात करे टीचरों से तो फेस टू फेस करे, उसमें मतलब किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। ऐसा अध्यक्ष हो कि ना अगर हमें कोई हमारी रिक्वायरमेंट कॉलेज में फुलफ़िल नहीं हो रही है तो वो पूरी कर सके, और ना अगर कोई भी मिसयूज़ हो रहा हो या हमें कोई कमी लग रही है कि ना ये चीज़ परफेक्ट नहीं है इस कॉलेज में, तो हम जाके अपने उस अध्यक्ष को बोले ताकि ना वो हमें सपोर्ट करे और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफ़िल करानी है वो उसे आगे तक पहुँचाए। किसी भी टाइप की जैसे एजुकेशन से रिलेटेड आ रही है, हमें कोई बुक्स लाइब्रेरी से रिलेटेड है कि हमें कोई बुक नहीं मिल रही है, या हमारी कैंटीन गर्ल्स कैंटीन या गर्ल्स को सही ढंग से रिस्पेक्ट नहीं मिलना, ऑल ओवर जो भी होती है, सो उस टाइप की चाहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, चुनाव का माहौल है, अच्छा लग रहा है, कन्वेंसिंग कर रहे हैं हमारे संगठन की, अच्छे होने चाहिए, हमारी हर समस्या को पूरा करें, मतलब किसी भी तरह की क्लासेस वगैरह या पानी वगैरह की बहुत ज़्यादा समस्या, उनको पूरी करें। हम चाहते हैं कि यहाँ क्लासेस मतलब एक दिन लगती है, दो दिन बंद रहती है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ रेगुलर क्लासेस हो, किसी गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखिए 24 अगस्त को छात्र संघ के चुनाव हमने घोषित कर दिए हैं, और हमने सबको निर्देश दिए कि लिंगदो कमेटी के आधार पर सख्ती के साथ उन नियमों का पालन करते हुए छात्र संघ के चुनाव कराए जाए।